सुमेरपुर में राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आगाज हुआ है। इसमें शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में 1251 टीमें भाग लेंगी। इसमें 13,054 खिलाड़ियों का पंजीकरण हुआ है और खेलों के शुभारंभ समारोह में जनप्रतिनिधि और नगरवासियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के शुभारंभ में नगरपालिका अध्यक्ष समेत जनप्रतिनिधि एवं पार्षद गण भाग लेंगे। राज्य सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने को लेकर बजट घोषणा में जो घोषणा की थी उसको लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का जो आयोजन किया जा रहा है जिसका आज शुभारंभ होने जा रहा है, जिसको लेकर सुमेरपुर उपखंड सहित तगड़गढ़, सुमेरपुर और ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और ग्रामीणों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है और अलग अलग टीमें जो भाग ले रही है जो खेलों होगा उसमें, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है और कुछ ही समय में खेलों का शुभारंभ होने जा रहा है। हम मुख्यमंत्री प्रदेश के जो खेलों को बढ़ावा देने को लेकर जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है ये बजट घोषणा में था, जिसको लेकर पहले दो बार खेला जाना था लेकिन कुछ कारणवश ये कार्यक्रम नहीं हुआ था, लेकिन आज 5 अगस्त से ये कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है जो ये करीबन 5 दिन तक चलेगा, जिसको लेकर तैयारियां संपूर्ण हो चुकी है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि बच्चा मैं कितना उत्साह है, ये देखिए बच्चों मैं कितना उत्साह दिखाई दे रहा है। बच्चे अलग अलग वेशभूषा में जो इनकी वेशभूषा में आए हैं और दिया हुआ है टी शर्ट पहनकर आए, जो मुख्यमंत्री का मुख्य रूप से खेलों को बढ़ावा देने को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और सुमेरपुर और तगड़गढ़ में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ कुछ ही देर में होने वाला है। नगर पालिका प्रशासन हो, उपखंड प्रशासन हो या विद्यालय प्रशासन हो, पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। अरविंद कुमार जोशी के साथ कैमरामैन मासूम जोशी।